वज़ीर आज़म लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक ऑफ पंजाब और अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस आज एक और सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। ये शराकत उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश है जो घर बनाने का ख्वाब देखते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है। तो इस शराकत के तहत ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा, उनकी अप्रेजल की जाएगी, उनकी बैंक क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाएगी और फिर बैंक ऑफ पंजाब इंतहाई आसान शराइत पर घरों की तामीर के लिए, घरों की ख़रीदारी के लिए या प्लॉट की ख़रीदारी और घरों की तामीर के लिए कर्ज़े फराहम करेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमने अख़ुवत के साथ बैठ के हमने ही डिवाइस किया था और उसको फिर बाकी बैंकों ने भी फॉलो किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने इस स्ट्रक्चर का अप्रूवल दिया। मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग द रियल लो कॉस्ट हाउसिंग इन द सेंस दैट यू नो जो 1 मिलियन एंड बिलो के हाउसेज होंगे उसमें अख़ुवत विल प्ले अ वेरी की रोल विद बैंक्स लाइक आरसेल्व्स एंड द अदर बैंक्स इन द मार्केट। मैं इस मौके पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जिन्होंने इसको स्पीयर हेड किया है पूरी एफर्ट को, जनरल हैदर को जो नेफ्टा के चेयरमैन हैं और ख़ास तौर से गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल को जिन्होंने बहुत हमें इस पूरी एफर्ट में सपोर्ट किया और आज हम यहाँ खड़े हुए कि जहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये नंबर इंशाल्लाह ताला इंक्रीज़ होना शुरू होगा स्पेशली इन द रियल लो कॉस्ट हाउसिंग कैटेगरी गोइंग इनटू द फ्यूचर।